नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत एक बार फिर से एजुकेशन इंडिया चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे महाराष्ट्र सरकार के बारे में, जहां पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ उद्धव सरकार का तख्तापलट होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कमल एक बार फिर से महाराष्ट्र में खिलने जा रहा है, क्योंकि शिवसेना पार्टी में भारी बगावत देखने को मिल चुकी है और शिवसेना पार्टी के कई विधायक इस्तीफा देने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे, जिसके बाद में शिवसेना पार्टी में अड़कम मच चुकी और शिवसेना पार्टी में सियासी हलचल तेज होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और वहीं महाविकास अघाड़ी में भी तगड़ी फूट देखने को मिल चुकी है, जिसके बाद में महाविकास अघाड़ी के कई नेता अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके और भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही बड़ा जाल बिछा दिया है, जिसमें महाविकास अघाड़ी फंस चुकी है। तो दोस्तों, अभी हम आपको इस बड़ी खबर के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो दोस्तों इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पास ही में आ रहे घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, ताकि दोस्तों आपको आगे भी महाराष्ट्र सरकार की हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। और साथ ही आप इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, ताकि आपका सपोर्ट भी इस वीडियो को मिले। तो दोस्तों चलिए अभी हम देखते हैं महाराष्ट्र सरकार को लेकर आ रही बड़ी खबर के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसके बाद में शिवसेना पार्टी में खलबली मच चुकी है और महाविकास अघाड़ी को तगड़ा झटका लग चुका है। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासत की महाभारत शुरू हो चुकी है और सियासत के इस महासंग्राम में उद्धव सरकार गिरने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन कमल आ चुका महाराष्ट्र की यात्रा करने के लिए और इसी कारण शिवसेना पार्टी में खलबली मच चुकी और अब उद्धव सरकार गिरने जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में कई बड़े बड़े उथल फुथल देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद में महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की सियासत उथल फुथल हो चुकी है और पूरी तरह से उठापटक का शिकार बन चुकी है, जिसके में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शिवसेना पार्टी के कई बड़े बड़े विधायक बागी होने के साथ अपनी पार्टी को छोड़ने जा रहे हैं और अपनी पार्टी से इस्तीफा देने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और कुल मिलाकर 16 शिवसेना के विधायक है, जो की अपनी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं, जिसके बाद में शिवसेना पार्टी मरकम मच चुकी और शिवसेना पार्टी का सियासी पारा गरमाने के साथ ही शिवसेना पार्टी के नेताओं के पसीने छूट चुके और महाराष्ट्र में सियासत का सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है, जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और शिवसेना पार्टी पूरी तरह से लुट चुकी है। और वहीं दोस्तों महाविकास अघाड़ी में तगड़ी फूट देखने को मिली है, जहां पर कांग्रेस के भी कई दिग्गज नेता जो है शिवसेना पार्टी से नाराज चल रहे और इसी कारण वह कई बड़े बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी का साथ देने जा रहे हैं, जिसके बाद में शिवसेना को तगड़ा झटका लग चुका और शिवसेना पार्टी पूरी तरह से लुटने जा रही है, क्योंकि आपको बता रहे तो कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चव्हाण और जो है पृथ्वीराज चव्हाण पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले हैं और वह भंगवा धारण करने वाले हैं, जिसके बाद में शिवसेना पार्टी में खलबली मच चुकी और शिवसेना पार्टी में हड़कंप मचने के साथ ही शिवसेना पार्टी पूरी तरह से लुट चुकी है, जिसके बाद में शिवसेना पार्टी को तगड़ा झटका लग चुका है। तो कांग्रेस के 10 ऐसे विधायक है जो कि शिवसेना पार्टी से नाराज चल रहे, यानी उद्धव सरकार से नाराज चल रहे हैं और वह अब 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, जिसके बाद में उद्धव सरकार का तख्ता पलट होगा और उद्धव सरकार गिरने के साथ ही एक बार फिर से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उद्धव सरकार को तगड़ा झटका लगेगा, जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का कमल एक बार फिर से महाराष्ट्र में खिलेगा। और वही दोस्तों एनसीपी पार्टी भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है और शरद पवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, जिसके बाद में उद्धव सरकार का गिरना निश्चित हो चुका और उद्धव सरकार कुछ ही दिनों के मेहमान बन चुकी है यहां पर जो है महाराष्ट्र राज्य में, और महाराष्ट्र राज्य में उद्धव सरकार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंस चुकी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा चले गए चक्र में पूरी तरह से फंसने के साथ उद्धव सरकार बर्बाद हो चुकी और उद्धव सरकार पूरी तरह से लुट चुकी है महाराष्ट्र राज्य में। तो एनसीपी पार्टी के कई दिग्गज नेता है जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, एनसीपी पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं और एनसीपी पार्टी खुद जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है, क्योंकि एनसीपी प्रमुख जो है शरद पवार ने बहुत ही बड़ी बात कही है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को लेकर, जहां पर उन्होंने कहा है कि अच्छा और सक्षम है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज का नेतृत्व, ये बड़ी बात कही है, जिसके बाद में शरद पवार जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ देने जा
जा रहे हैं। और वहीं दोस्तों आपको बता दें, शरद पवार को शिवसेना पार्टी ने भीड़ कोरेगांव मामले को लेकर फंसा दिया है, जिसके बाद में शरद पवार शिवसेना पार्टी से नाराज हो चुके हैं और इसी कारण अब शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल महाराष्ट्र में खिलाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये महाराष्ट्र सरकार को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आई थी। और वहीं दोस्तों महाराष्ट्र में जो 20 अन्य विधायक हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का वादा कर दिया, यानी भारतीय जनता पक्ष पार्टी के पक्ष में वोट डालने की बात कर दी, जिसके बाद में शिवसेना पार्टी में खलबली मच चुकी और शिवसेना पार्टी पूरी तरह से संकट से गिर चुकी और संकट उन पर आ चुका और संकट मंडरा चुका है और शिवसेना पार्टी अब लुटने की कगार पर आ चुकी और शिवसेना पार्टी को तगड़ा धोखा मिल चुका है महाविकास आघाड़ी में। तो दोस्तों इस प्रकार से ये शिवसेना को लेकर और महाराष्ट्र सरकार को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही थी, जहां पर सियासी जंग में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बड़ी चाल चल दी, जिसमें शिवसेना पार्टी फंस चुकी और शिवसेना पार्टी अब अपनी सरकार गिराने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। और वहीं दोस्तों निश्चित तौर पर अब शिवसेना पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाली, यानी शिवसेना पार्टी घर वापसी होने जा रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये महाराष्ट्र सरकार को लेकर बहुत ही बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही थी, जिसके बाद में महाराष्ट्र में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही और एक बार फिर से महाराष्ट्र में सीएम बनने जा रहे फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी का कमल एक बार फिर से महाराष्ट्र में खिलने जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये महाराष्ट्र सरकार के सियासी जंग को लेकर संपूर्ण जानकारी थी आप सभी के लिए। तो दोस्तों यदि आपको ये संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी भाइयों बहनों मित्रों के पास से वीडियो को शेयर करिए और साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।